आज के इस वीडियो में हम बीड एंड आस्क प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस को इसकी मदद से बड़ी आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि हमेशा सही प्राइस पे ही आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। देन आई विल टेक यू टू माय चार्ट टू शो यू हाउ एग्जैक्टली ट्रेडर्स मेक मनी इन द मार्केट विद द रियल चार्ट्स एंड विद द रियल ट्रेड्स। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, मैं अमित, आप सभी का ManageTrading.com के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी मैं आप में से एक दोस्त का सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई होप उसे बाकी सभी दोस्तों का फायदा हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। आज का हमारा सवाल पूछा है मयंक ने और वो पूछते हैं, हाय अमित, बिड एंड आस्क प्राइस के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन मयंक। बिड एंड आस्क प्राइस मार्केट की एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आज मुझे कोई सस्ती वाली एक टी-शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो मैं जैसे ही नजदीक के बाजार में जाता हूं तो मुझे वहां पे दो तरह के लोग दिखते हैं। एक वो लोग हैं जो ये सस्ते वाले टी-शर्ट बेचना चाहते हैं और दूसरे मेरे जैसे लोग जो ये खरीदने आए हैं। देखो, मुझे कोई भी ब्रांडेड टी-शर्ट नहीं लेनी, तो ऑब्वियस है कि मुझे बार्गेनिंग पर उतर आना होगा। अब ये बार्गेनिंग काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। मेरे जैसे खरीदने वाले लोग हमेशा चाहेंगे कि मुझे मेरी चीज सस्ते में खरीदनी है, लेकिन जो लोग मुझे ये टी-शर्ट बेच रहे हैं वो चाहते हैं कि मुझे वही चीज वो महंगे में बेच दे। अगर आप ये चीज समझते हैं तो आप मार्केट के करंट मार्केट प्राइस को भी समझते हैं। सी, मार्केट में हमारे जैसे हजारों लाखों लोग एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व होते हैं। हम सभी की ऑर्डर्स अपने प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ ब्रोकर थ्रू मार्केट तक पहुंच जाती है। यहां हम अलग अलग ऑर्डर टाइप्स को नहीं देख रहे पर एक जनरलाइज्ड टर्म की बात कर रहे हैं। जब ये सभी ऑर्डर्स मार्केट के पास पहुंच जाती है ना, तो मार्केट उन्हें दो कॉलम्स में फिट कर देता है। जिन लोगों ने करंट मार्केट प्राइस से कम दाम में ऑर्डर प्लेस की है, मार्केट उन्हें बिड के कॉलम में शो करता है, और जो ऑर्डर्स मार्केट प्राइस से ज्यादा है उन्हें आस्क प्राइस के कॉलम में फिट कर देता है। एक टाइम पे हम सिर्फ 5 बिड एंड आस्क प्राइस ही देख सकते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज है, वो ये कि अगर सेम प्राइस की कई सारी ऑर्डर्स है तो फिर मार्केट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे जिसके ऑर्डर पहले आई है उसे पहले एग्जीक्यूट कर देती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता होगा, लेकिन एज अ डे ट्रेडर मुझे उससे क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम इसे सीख लेंगे तो फिर हम हमारे डे ट्रेडिंग में एक अच्छा इंप्रूवमेंट बिल्कुल देख सकते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में ट्रेडिंग एक बिजनेस है। यहां हम एक तो बायर का रोल निभाते हैं या तो बेचने वाले का। जब हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमें दो बातों पर अपनी नजर रखनी होगी। पहली चीज है स्प्रेड। अगर हम सबसे पहले वाले आस्क प्राइस से सबसे पहले वाले बिड प्राइस को माइनस कर दें तो जो डिफरेंस हमें मिलता है हम उसे कहेंगे स्प्रेड। अगर आप हमारे बाकी के वीडियोस देख चुके हैं तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग उसी स्टॉक में करनी होती है जिसमें ये स्प्रेड बिल्कुल कम हो। फिर दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी और उसके प्राइस के साथ का रिलेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनना, जब हम कोई भी स्टॉक के बिड एंड आस्क प्राइस को देख रहे होते हैं ना, तो राउंड नंबर्स पे, मतलब जिन नंबर्स के लास्ट में 00 या तो 50 होता है, जैसे कि 100, 150, 500, 550, 700, 750, इन नंबर्स पर हम बहुत ही ज्यादा तादाद में क्वांटिटी एक्यूमुलेट हुई देखते हैं। तो जब भी हम कोई प्राइस बाय करना चाहते हैं और प्राइस इन राउंड नंबर्स पे है, तो हमें स्मार्टली हमारी एंट्री प्राइस इन राउंड नंबर्स से थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। मान लो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 98.99 के करीब और 100 के प्राइस के करीब हम एकदम अनयूजुअल क्वांटिटी देख रहे हैं, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना ही है तो वो बड़े आसानी से राउंड नंबर्स पे जमा हुई क्वांटिटी को पहले एग्जीक्यूट कर देगी। फिर वो हमारी प्राइस जो कि 100 से थोड़ा ऊपर, जो मान लो 100.3 पे है, उसे भी एग्जीक्यूट कर देगी। लेकिन आज प्राइस में ऊपर जाने की वो इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस 100 से ही नीचे चली जाए और फिर नेचुरली हमारी ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और इस तरह हम एक खराब एंट्री से भी बच जाते हैं। अगर आप काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि राउंड नंबर्स पे ही प्राइस कई बार यू टर्न ले लेती है। इसी इंफॉर्मेशन का फायदा जब हम अपने स्टॉक को बेचने जाए तभी भी उठा सकते हैं। मान लो कि हमारी एग्जिट प्राइस भी राउंड नंबर्स के आसपास है, तो हम स्मार्टली हमारी एग्जिट प्राइस वो राउंड नंबर्स के थोड़ा नीचे लाके रख देंगे ताकि वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद प्राइस राउंड नंबर की क्वांटिटी की तरफ जाए। वैसे ही हम अपने स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। मान लो अगर हम बाय कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस से नीचे ही होगा,
तो वो टाइम पे अगर नजदीक कोई राउंड नंबर है तो फिर उस स्टॉप लॉस को हमें उसके थोड़ा नीचे कर देंगे। वैसे ही अगर हम शॉर्ट सेलिंग के स्टॉप लॉस की बात करें तो हमें उसे राउंड नंबर के थोड़ा ऊपर रखना है। मार्केट में ये राउंड नंबर्स एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। प्राइस यहाँ तक तो आसानी से पहुंच जाती है, पर उसके बाद या तो वो प्राइस यू टर्न लेगी या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। एज अ डे ट्रेडर हमें इस पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि हमारी एंट्री प्राइस, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस प्राइस को हम स्मार्टली एडजस्ट कर पाए। अब हम सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स पे। ये जो आप चार्ट देख रहे हो वो है गोदरेज इंडिया का 60 मिनट का चार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टॉक मैंने मेरे वॉच लिस्ट में क्यों ऐड कर दिया था। सी स्टॉक काफी समय से 100 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो ये इसकी बुलिशनेस का साइन है, और स्टोकास्टिक्स भी उसके 20 के लेवल पर है, जो हमें स्टॉक के ओवरसोल्ड होने का इंडिकेशन दे रहा है। फिर स्टॉक उसके 50 मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है, जो एक और अच्छा साइन है। फिर अगर हम ये दो प्रीवियस लो को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लाइन बनेगी उसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। हमारी प्राइस देखो एग्जैक्टली वहीं पे है। अगर पिछले दो बार यहाँ से हमें बाउंस मिला है तो चांसेस ज्यादा है कि हमें इस बार भी बाउंस मिल जाए। फाइव इंडिकेटर्स में चार तो बस यही मौजूद है, जिससे स्टॉक की दूसरे दिन की एक जबरदस्त अप मूव मिलने के चांसेस क्लियरली इंडिकेट कर रही है। अगर हमें इंट्राडे से ढेर सारे पैसे वो भी रोजाना बनाने हैं तो फिर हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा मतलब घंटा दो घंटा निकाल के अपने स्टॉक के चार्ट देखने होंगे, अलग अलग एंगल से उन्हें परखना होगा। चार्ट पे जो चीजें मैं खुद देखता हूँ उसे आपके साथ शेयर भी करता हूँ, उसपे कोई भी सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे दिन में इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो और कल के पावरफुल इंट्राडे स्टॉक्स जानना चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी सर्विस है, जिसे आप मेरी अपनी इंट्राडे की वॉच लिस्ट जो सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप वेबसाइट पे लॉग इन करके कल की वॉच लिस्ट बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो यही पॉज करें और इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला वो वीडियो भी देख ले जहाँ मैंने मेरी इंट्राडे टेक्निक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, जिससे आपको बाकी बचा हुआ वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाए। सी यहाँ पे मार्केट 9:15 ओपन हुए, शुरू के आधे पौने घंटे तक हमने वेट किया। 5 मिनट की ये जो पहली कैंडल आप देख रहे हो उसी के हाई और लो के बीच प्राइस तकरीबन 1.5 घंटा रही है, तो ऑब्वियसली उसका हाई बनता है हमारा रेंज हाई और उसका लो बनेगा हमारा रेंज लो। फिर कुछ 10:30-11 के करीब इस कैंडल पे मेरी एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। मेरा स्टॉप लॉस होगा रेंज लो के थोड़ा नीचे। फिर प्राइस ने एक हल्की सी गिरावट दिखाई जिसे हम पुल बैक कहते हैं, और जो आगे आने वाली अपमूव का एक काफी अच्छा इंडिकेशन होता है। फिर थोड़े अप एंड डाउन के बाद फाइनली 2:30 के करीब मेरी टारगेट प्राइस भी हिट हो गई। सिंपल राइट। अभी जरा हम देखते हैं इसी स्टॉक का अगला दिन। सी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, शुरू में ही प्राइस ने एक डाउन मूव दिखाई, फिर प्राइस ऊपर आई, हमने आधा पौना घंटा वेट किया, रेंज हाई रेंज लो को नोट डाउन कर लिया, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे मेरी एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, फिर एक हल्का सा पुल बैक आया, उसके बाद एक जबरदस्त अपमूव। देखो प्राइस का ये अपमूव इतना स्ट्रांग है कि इसने मेरे तीनों टारगेट्स को हिट कर दिया। तो देखा आपने, ट्रेडिंग को हमें हो सके उतना सिंपल करना होता है। ट्रेड लेने के पहले ही हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर जैसे हमने प्लान किया है डिसिप्लिन के साथ हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत सारे आइडियाज टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है। सो अगेन थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल कम्युनिटी। सब्सक्राइब, कमेंट एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड टेक केयर।